अनुपमा में काव्या का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने किया अलविदा। बिग बॉस 18 में काव्या दिख सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे अनुपमा की काव्या के बारे में। टीवी शो अनुपमा में काव्या किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मदालसा शर्मा ने हाल ही में शो को अलविदा कह दिया है। 4 साल से इस शो का हिस्सा रहने वाले के बाद उन्होंने अपने फैंस के लिए एक भावुक संदेश भी साझा किया था। मदालसा के इस निर्णय ने उनके प्रशंसकों को चौंका दिया और इसके बाद से ही उनके अगले कदम को लेकर अटकलें शुरू हो गई थी। मदालसा शर्मा ने अनुपमा में काव्या के किरदार से दर्शकों को दिलों में खास जगह बना ली थी। उनके अभिनय की सराहना की गई और उन्हें शो में कई महत्वपूर्ण मोड़ लाए गए। 4 सालों तक शो का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब समय है आगे बढ़ने का। मदालसा ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, यह यात्रा अद्भुत रही, लेकिन अब मुझे नए अवसरों की तलाश करनी है। मदालसा ने जब से अनुपमा छोड़ा, तब से उनके सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 18 में हिस्सा लेने को चर्चा जोरों पर है। रिपोर्टर्स के अनुसार उन्हें बिग बॉस 18 के लिए अप्रोच किया गया है और वो इस शो का हिस्सा भी बन सकती हैं। हालांकि मदालसा ने इस बारे में स्पष्ट करते हुए कुछ नहीं कहा, ये केवल अफवाहें हैं और उन्हें अभी तक इस शो में शामिल होने का कोई निर्णय नहीं लिया। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वो बिग बॉस 18 का हिस्सा बनेंगी, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनने जा रही हूँ, ये पूरी तरह से अफवाहें उड़ रही हैं। इस बयान ने उनके प्रशंसकों को थोड़ी राहत दे दी, जो उनको फिर से छोटे पर्दे पर देखने की उम्मीद जता रहे हैं। मदालसा की विदाई पर उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी दी थी। कुछ प्रशंसकों ने उनके नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी, जबकि अन्य उनके जाने वाले दुखी थे। कई लोग ये भी चाहते थे कि वो किसी नए प्रोजेक्ट में जल्द से जल्द नजर आएं। मदालसा शर्मा ने अभी तक अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो नए अवसरों की तलाश में हैं और करियर को नई दिशा देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। उनके फैंस उनकी अगली परियोजना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार मदालसा शर्मा का अनुपमा शो को छोड़ना और बिग बॉस 18 में संभावित भागीदारी की चर्चा मनोरंजन जगत में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। आने वाले समय में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो किस दिशा में आगे बढ़ती हैं और दर्शकों को कौन सा नया किरदार देखने को मिलता है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।